श्री ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण भाई और बहन, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे, मैं विधायक था और लोग भी थे, अनुभव थे, दिनाक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे, हम अपने निवास स्थान से असेंबली के तरफ जा रहे थे ये सब चीज सुन करके। लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल बड़ी बहुत पूरा सुना देखा। हम बैठ गए जिस रूप में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। मैं सुरोम में पहुँच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था, हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था एक गाड़ी, वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, ड्राइवर भी नहीं था उस समय और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है और मुंह से जो निकल रहा था खखार वो बिल्कुल दूध जैसा था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने कर्पूरी जी क्या हो गया, कर्पूरी जी
वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे क्या उनको तकलीफ हो रहा है। कोशिश देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ राणा ठाकुर जी के पुत्र हैं थे, अभी भी है राणा, उनको हमने कहा कि आप छाती को दबाते रहो और दूसरे पुत्र को राम वीरेंद्र को कहा कि भाई तलवार तालू को पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच के तरफ चल पड़े हैं, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया। बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी। चारों तरफ उस निवास स्थान में गए ले गए हम लोग लौटा के डेढ़ बजे को और स्पीकर वहाँ आगे गोद से डेढ़ बजे को कभी भी मिलता है वो हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरे तरफ। बांस घाट में गाड़ी में लेकर के लाश को और हम लोग पहुंचे वहां उनको जलाने के लिए। और यही नारा कई से लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाए हैं, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाए हैं। मैं जानता हूं किनाई परिवार में पैदा लिए गोखले ठाकुर जी के परिवार में, मैं उनके घर भी गया था देखने के लिए पहले कैसे रहते हैं नेताजी हम लोग कर्पूरी कहाँ रहते हैं। तो उनका जो झोपड़ी था कुटिया जो था झोपड़ी ऐसे गली से जाना पड़ता था
ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली पर घूम के ज्यादा सब लोग रावण की माँ आंगना में गए उनके बड़ोदर्श में सब मकई के रोटी और सरसों के साग बहुत प्यार से खाते थे। कभी आम आदमी का जो खाना हुआ करता था मेरे यहाँ पे मेरे कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे सत्तू घोल के हमको पिलाइए। सत्तू घुराता था फिर गाय भी रखे हुए थे वह गाय भी तबियत और ये कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे तो कहाँ गया भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा एक बाल्टी गर्म पानी औंटवाता था गर्म पानी और मैं पूरा नीमक दे के घोल के और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट पेट भर देता था और बोलता था कि एक चारों अंगुल से लेकर मुँह में भीतर फैलाने के लिए उसको निकाली बाहर निकाली और कर्पूरी जी को आदत लग गई यात्री को एकदम बाहर करके पानी को गंदा पानी को निकाल देना बाहर इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हाबी नकल करने लगे बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो जो सिखाया कहाँ से नाम मैं उसको बोल रहा हूँ उसका बोल रहा हूँ उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा वहाँ से उनसे फिल्म छुड़ाया जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी से जीते तो उनके एक तरह से पीए के तरह थे क्लर्क के तरह थे कागज पत्र जितना जो भी आता था ठाकुर से लेके आते थे कर्पूरी देते थे कि शॉर्ट आउट करके रखते थे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे गुस्सा में आ जाते थे और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजावत बनाने का काम करो जरूर छोड़ो किनारे जा रहे कर्पूरी जी ने राज के अति पिछले पिछले वंचित समाज को जागृत किया ताकत दी काफी ताकत दी। जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था पत्रकार करने का सावंतों के बोली का
कटोरी भी नहीं है, ताकत पूरा भरा है। डॉक्टर पूर्वी जी पूरा कटोरी जी को इस सेवा में ये और इनकी पत्नी बढ़िया से क्या बना बना के लोग ला के खिलाते पिलाते थे। लीडर पोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे तो पूरी पूरे हिम्मत के साथ में उनके साथ रहता था, समर्थन करता था समय के अंदर। कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था हमेशा। उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाए हैं, इनका नाम गांव बिहार के गांव गांव में जो है समझाता, हम इनको कुछ बनाए नहीं। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है कुछ कुर्सी पर उस पद पर मुझे बैठाया गया लीडर पोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे, पूरे राज्य में गांव गांव में और दिल्ली तक पहुँचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए गए थे पूरा घाट में, यूपी के पूरा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने, मॉडल कमीशन जो लागू हुआ मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए। कितना बड़ा हमला हुआ मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में, बीपी सिंह को भी माँ बहन को गाली सुनना पड़ा। और विचित्र कहानी है, मंडल कमीशन लागू जो हुआ किस परिस्थिति में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, बीपी सिंह जी कि हमें मिलने गया यहाँ से, पीपी सिंह मुझे नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के रूप में, तीन तीन ऑब्जर्वर आए थे वहां से हमारे खिलाफ में, लेकिन मैं पीपी सिंह जी का साथ देने पहुंचा और हमको देखे पीछे कैसे आए हैं। हम आए हैं, देवीलाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया पूरा,
ये जो गाड़ी वाली रोज चल रहा पड़ रहा है, कैसे सरकार चले? इनको निकालिए फिर जाए देखो। उन्होंने कहा कि कहाँ था आपका बिहार भवन था रहे? आप है यही पर आपका हम है श्री राम विलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए और ये जो रिपोर्ट है वही पेंडिंग पड़ा हुआ उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। सरज जी को भी हमने कहा तो बोले भी तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाकर खिलाफ हमारे खिलाफ बोले हैं, वो बोले भी लेकिन वो लोग कभी खिलाफ हैं मंडल कमीशन उनका जो बिरादरी के लोग हैं। लागू हुआ नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया लेके पॉकेट में चले आए यहाँ बिहार, पूरा सीना मेरा ऊंचा हो गया। और पूरा कोहराम मचा पूरा देश भर में, कुछ लोगों के खिलाफ, बीपीसी के खिलाफ, बीपी सिंह जी का भी नाम हुआ, नारा लगता था राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है। और हाँ रथ यात्रा उसी के खिलाफ में निकला, तरह तरह के तरह तरह की बीमारी, तरह तरह का चीज मैंने देखा है इस उम्र तक, सोया नहीं कर सकता है। और एक मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होने का नतीजा हुआ, पिछड़ों की ताकत और पिछड़े के ताकत को लोगों ने ललकारा, पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इसे काफ़ी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ, अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वंचित समाज गरीब लोग, तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने तो रिजर्वेशन जाति जनगणना के बाद रिपोर्ट के बाद दलितों का शेड्यूल कास्टों का आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में मोर है। फिलहाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था, देश रत्न भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ,
चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती ज्यादा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू वो कोई ये हमको हमें तो इसे होना ही था इसको तो लेके ही रहते हैं रंगना कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं हम लोगों को ठेठी मांग किया काशी राम जी और अयोध्या जी को भारत रत्न का ऐलान करो ये हमारा हक है देश का लोग लोगों को डिजर्व करते हैं कोई भीख नहीं है काशी राम ने दलितों को जगाया भले मायावती डुबाया ये वो नहीं करते हैं काशी राम का भी इतना नहीं करते हो किया आप सभी बिहार राज्य में जो जॉब रकम 4 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी ने उसको और बढ़ाना है सारे साले बढ़ाना है लोग लगे रहते हैं लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी इसको कैसे तोड़ दिया जाए खत्म कर दिया जाए ये सब तो होता रहेगा परवाह नहीं करना है और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग जितना हम ही लोग कितना ही नाथा पटाऊंगा चंद्रनायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे उनके